हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, एक सीरीज शुरू की है हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम एटलीस्ट 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, पिछले 10 से 15 ईयर्स तक जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक हुए हैं, उनमें जितने भी ये क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में, उनका हमने इकट्ठा करके ये एमसीक्यूज सीरीज हम बना रहे हैं, जिसमें हम कम से कम 1200 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत का जो सिलेबस है, उसके अंदर ये फोर्थ यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और मैंने पूरी कोशिश की है कि सिलेबस से रिलेटेड ही मैंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं, सिलेबस से बाहर कोई भी एमसीक्यू आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं जिनकी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो वो हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जिसमें हमने तमाम चीज़ें कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड अपलोड की हुई है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की है इन दोनों वीडियोज़ में। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें हम 1200 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, और इनकी जो है अलग अलग पार्ट्स में हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में तो ये नहीं बन पाएंगी। अगर हम एक ही पार्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट 5 आवर्स की वीडियो बनेगी, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पार्ट है, पार्ट वन, इसमें हम क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 80 हम डिस्कस करेंगे, यानी 80 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और ये जो यूनिट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला यूनिट है, जो फोर्थ यूनिट है, तो इसके हमने ये जो वीडियो है, आज की वीडियो और आगे 2-3 वीडियोस पार्ट सेकंड और थर्ड, जो भी 2-3 वीडियोस आगे आएंगे, उनमें हम फिलहाल फर्स्ट 4 सब यूनिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बाकी सब यूनिट्स रहेंगे, जैसे एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक्स हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल, देन पावर पॉइंट, उससे रिलेटेड हम आगे और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो फिलहाल आज हमारा जो है ये फर्स्ट 4 जो सब यूनिट्स हैं इसके, उनका हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो उनमें हम करंट अफेयर्स और जितने भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा और करंट अफेयर्स भी आपका स्ट्रांग होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो जो भी अकाउंट्स पंचायत से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उन वीडियोज़ को डेली बेस पर देखा करें, उससे आपका ये इस एग्ज़ाम में भी आपका बेनिफिट होगा। उसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ भी उसमें उसका बेनिफिट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये जो वीडियो है, इसमें 80 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और मैंने कोशिश की है बहुत इजी लैंग्वेज में इनको बनाने की कोशिश की है, तो ज़्यादा इसमें हिंदी में या उर्दू में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी महसूस करोगे, क्योंकि बेसिक इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इस ईजी लैंग्वेज को आराम से समझ पाएंगे। तो जहाँ थोड़ा सा कहीं मुश्किलात होगी, वहाँ मैं समझा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर इजी लैंग्वेज है। अगर मैं इसको हिंदी और उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइंड बाई चार्लेज बेबेज? तो ये था डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट, EDSAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? फेरेंटी मार्क 1। हाउ मेनी मेजर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड मैनुफैक्चर माइक्रो प्रोसेसर्स? तो 2 कंपनीज, एक तो इंटेल और दूसरी मोटोरोला, ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स को मैनुफैक्चर करती हैं वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्लेज बेबेज। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल ENIAC। तो इसकी एब्रीवेशन क्या है, वो मैं उसके लिए एक अलहदे से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एब्रीवेशन जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशन है, उनकी मैं फुल फॉर्म्स वगैरह उस तरीके से मैं वो अलहदे से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो क्योंकि ये सिलेबस में एक अलहदा से सब यूनिट भी है एब्रीवेशन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 100 से ज़्यादा इसमें एब्रीवेशन लेके आऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कब यूज़ किया गया? तो ये 3rd जनरेशन में यूज़ किया गया। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया,
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1983 और 1990 के दरमियान रहे हैं, उसमें इसका यूज़ हुआ है सीडी रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड पावर बुक एंड पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सिक्स जनरेशन में हुआ है यूज़ बिटवीन 1990 और टिल नाउ, आज तक ये यूज़ हो रहा है सिक्स जनरेशन, ये पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर आज भी यूज़ हो रहा है, ये जो आज सिक्स जनरेशन है। विच इज़ कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, तो ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन, ये तमाम हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड, थर्ड जनरेशन, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, तो ऑल ऑफ द अबव, तो ये तमाम एक कंप्यूटर में होते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज फैब्रिकेटेड ऑन ए टिनी सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री डिसीजंस मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो ये तमाम यूज होते हैं ऑपरेशंस में फॉर मेकिंग ऑपरेशंस, ये ऑल ने सॉरी ये ALU है, तो ALU में डिसीजन मेकिंग जो ऑपरेशंस है, थ्री डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड इन द कंप्यूटर, वो ग्रेटर देन है, लेस देन एंड इक्वल टू। व्हाट आर द थ्री डिसीजंस मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ ए कंप्यूटर, तो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेपाल ब्रॉट ए कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वाज ऑफ सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांड, द नेम ऑफ ए कंपनी दैट मेड कंप्यूटर्स, उसको ब्रांड कहते हैं। द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन ए मार्केट, या ए नेम ऑफ क्लास टू इंडिकेट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, या ऑल द अबव। द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन ए मार्केट, तो बी पार्ट है इसका आंसर। द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट, इसको हम ब्रांड कहते हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ पीछे बताने में, तो इसका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड द ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज इज, तो ये मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट प्रोग्राम, एरर प्रोन, ऑल द अबव, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन, 1837, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 bits, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, लेडी अगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये भी करेक्ट है, अडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन ए फेमस इंग्लिश पोइट, ये भी करेक्ट है, ADA इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय US डिफेंस, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स, फॉर फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस दैट अलाउज यू टू पुट इंफॉर्मेशन इन टू ए कंप्यूटर, तो वो है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, जो आगे वो आउटपुट देता है। तो इनपुट की मदद से कंप्यूटर के अंदर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें जैसे माउस, माउस का यूज़ करके हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं, तो ये तमाम इनपुट डिवाइसेज हैं। उसके बाद कंप्यूटर आगे काम करता है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। आउटपुट कैसे देता है, जैसे प्रिंटर के जरिए प्रिंट करता है, तो वो तमाम चीज़ें आउटपुट डिवाइसेज हैं। वो मैंने उसके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने 2 videos अपलोड की हुई, वहाँ मैंने तमाम इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो इसका डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, दे आर आउटपुट डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्रिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ कीबोर्ड।
information that comes from an external source and is fed into a computer software is called input. The term used to define all input and output devices in a computer system is called hardware. इन तमाम चीज़ों को हार्डवेयर कहते हैं. द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज माउस, कीबोर्ड, मॉडम, मॉनिटर. तो ज़्यादातर कीबोर्ड यूज़ होता है इनपुट डिवाइसेस में. हालांकि ये माउस भी, ये तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा जो वाइडली यूज है वो है कीबोर्ड. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये तमाम कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, दोनों. हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव. तो ये ऑल ऑफ द अबव है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट ऑन ए डैश डैश सिस्टम. तो बाइनरी सिस्टम पे ये पूरा कंप्यूटर के अंदर काम होता है, बाइनरी सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर रोम एंड रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. तो सी पार्ट, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. सी पार्ट, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर्ल्स. विच आर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा. हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन USA. एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. मैग्नेटिक ड्रम. द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 10 to 24 megabytes, उसको गीगाबाइट कहते हैं. विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर. विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, HEC 2M, ये इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है. द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर और अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ये तमाम चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव. ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज एड्रेस बस. विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ कीबोर्ड, माउस. विच इज़ नॉट एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, डिस्प्लेज. तो बाकी तमाम प्रिंटर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है. विच इज़ नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इसमें डिस्प्ले जो है ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है. तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डैश डैश डाटा एज ए इनपुट, बाइनरी सिस्टम. बाइनरी डाटा इसको एज ए इनपुट ये रिसीव करता है कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर. तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, होती है ऑल द अबव है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM. तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म. एब्रीवेशन के लिए मैं अलहदे से भी वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इतना आप देख लीजिए. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है CD-ROM की फुल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 byte कंसिस्ट ऑफ 8 bits. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज ट्रोजन हॉर्स. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डाटा एंड प्रोग्राम इज इट्स एक्सेस स्पीड. ENIAC was an electronic computer. Next question, the first computer made available for commercial use was UNIVAC. A person who uses his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage can be called hackers. वो लोग जो दूसरों का डाटा चुराते हैं यानी हैक करते हैं, उनको हैकर्स कहा जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 32-bit वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस 4 bits एट ए टाइम. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग. द डैश डैश शोज ऑल द वेबसाइट्स एनी पेजेस दैट यू कैन विजिटेड दैट यू हैव विजिटेड वन ए पीरियड ऑफ ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम. तो उसको हिस्ट्री लिस्ट कहते हैं. हिस्ट्री लिस्ट में आप तमाम चीज़ें देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी साइट्स पर विजिट किया है. द लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वेब पेजेस इज HTML. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन URL यानी HTTP://www लीड द कंपटीशन .in. द पोर्शन लेबल्ड HTTP इज द प्रोटोकॉल. तो ये HTTP एक प्रोटोकॉल है. विच आर द फॉलोइंग इज ए रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस CD-ROM. रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है CD-ROM. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपेयर फॉर ए नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड पैच. विच आर द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन्स मॉडम. वट इज एन ईमेल अटैचमेंट. A separate document from another program set along with an email message. If a file has .back extension, it refers to usually backup file. ये जिनके साथ .back लिखा होता है वो backup files होती हैं. The window which shows icon for things like the mouse, sounds and display is called control panel. Control panel में हम mouse का किस type का icon बना सकते हैं, sounds के लिए क्या icon हम रखें, वो कंट्रोल पैनल में वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं. वट काइंड ऑफ फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन .mpg मूव फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क. स्पैम. विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर. कंप्यूटर फोरेंसिक्स. The difference between people with internet access and those without it is known as digital divide. The smallest unit in a digital system is bit. Which of the following is a web browser? So Netscape Navigator, it is a web browser. Junk email is also called spam. Next question, who of the following is the founder of Facebook? Founder. कौन है फेसबुक का? मार्क ज़करबर्ग. वट इज़ द विंडोज एक्सप्लोरर? ए फाइल मैनेजर. ये फाइल मैनेजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स रिसीव्ड बाय अस. उनको स्पैम कहते हैं. ए ग्रुप वेयर इज ए सॉफ्टवेयर. एंड लास्ट क्वेश्चन, ए DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क. DVD मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं. तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क है. तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर, सॉरी ये थे आज की पार्ट वन ऑफ दिस कंप्यूटर एप्लीकेशन MCQs. तो मुझे उम्मीद आपको पसंद आए होंगे. तो बहुत जल्दी हम इसका पार्ट टू भी लेके आएंगे. जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अकाउंट्स असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी आए वो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके. और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करें. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.